क्या आप इमेजिन करते हैं दोस्तों, जब प्राइस चार्ट के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन मेथड जो है स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने की या टेक्निकल एनालिसिस करने की, वो है जब ब्रेकआउट हो जाता है तब जाके दोस्तों लोग प्राइस चार्ट को देखते हैं, जब प्राइस काफी ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है और उस समय पे उसको चेज करने की कोशिश करते हैं तो बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता है। आज का सब्जेक्ट का मुद्दा ये है दोस्तों, उस कॉमन मेथड से थोड़ा हटके सोचना, इमेजिन करना प्राइस चार्ट में कि क्या संभावनाएं आने वाले समय में हो सकती है। और अगर हमने ये कर लिया दोस्तों तो आप एक बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। और इसीलिए आज का ये सेशन है, मैं मानता हूं कि जीरो टू हीरो के सारे ट्यूटोरियल वीडियो को आप देख रहे होंगे और अलग अलग टॉपिक्स में जब दक्षता हासिल कर लेंगे तो ये इमेजिन करना आसान हो जाएगा जब भी आप प्राइस चार्ट का अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो इमेजिनेशन जो है दोस्तों वो एक इनेट फैकल्टी है जिसे हम डेवलप करते हैं मेथड्स और प्रैक्टिसेस के द्वारा। दोस्तों अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ा है, लीजेंडरी ऑथर नेपोलियन हिल की जो बुक है दोस्तों, जो 70-75 साल पहले, 80 साल पहले लिखी गई थी, तो दोस्तों उसमें फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर में एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। और उससे आपको पता लगेगा इनेट जो है वो ऐसा नहीं है कि आपके पास है मेरे पास नहीं है या मेरे पास है आपके पास नहीं है, ये गॉड ने, ऊपर वाले ने सब व्यक्ति को दिया है, केवल उसे डेवलप करने की आवश्यकता है प्रैक्टिस के माध्यम से। और यहाँ पे मेथड्स क्या है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस मेथड है जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक मेथड है स्टॉक मार्केट पे प्राइस चार्ट के ऊपर में एनालिसिस करने की दोस्तों। और जिसे हम सीखते हैं किताबें पढ़ के या जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियोस को देखकर। अब दोस्तों जब हम सीख जाते हैं तो चार्ट के ऊपर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है दोस्तों ये जो इमेजिन करने की फैकल्टी है वो उतनी शार्प होगी, उतनी डेवलप होगी। तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और वैसे दोस्तों कई बार आपके लाइव स्ट्रीमिंग के सेशन के दौरान हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं उसे स्ट्रक्चर तरीके से प्राइस चार्ट पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम एडवांस में इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन होने की संभावना है। अब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन जो है वो किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में बहुत मदद कर सकती है आपको। ये स्टॉक के प्राइस चार्ट को देखिए दोस्तों, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, सारे मूविंग एवरेजेस आप देखिए स्लोप डाउन था, इवन ऐसे में 144 का भी स्लोप डाउनवर्ड था दोस्तों। और जब भी पुल बैक होता था एक इसमें गिरावट दर्ज की जाती थी। लेकिन इस जगह पे देखिए प्राइस स्ट्रक्चर को दोस्तों, यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो बनाया और यहाँ पर आप देखिए RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस देखा गया। तो इस जगह पे हमें ये मौका मिला इमेजिन करने का कि पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अब डाउन ट्रेंड में है तो कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बिना तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्राइस नीचे गई, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई और इसके बाद जब ये करेक्शन हुआ तो इसमें हमें इमेजिन करने का मौका मिला और यहाँ पर हम एक पॉसिबल एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर सकते थे। और ये देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये शायद लेफ्ट शोल्डर है, ये मैंने इमेजिन किया है दोस्तों। ये देखिए हेड का फॉर्मेशन है और इसके बाद प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर मैंने राइट शोल्डर को बना के इसे चार्ट पे इस लाइन के ऊपर में जो नेक लाइन है इस पे अलर्ट सेट कर दिया कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो मुझे अलर्ट पता लग जाए ताकि ट्रेंड रिवर्सल के समय ही इस स्टॉक को पकड़ लिया जाए और आने वाले जो ट्रेंड को है वो फुल ट्रेंड को इनकैश किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और प्राइस फिर नीचे गिर गई। अब यहां पर एक बॉटम यहां बनाया
और एक बॉटम यहां बनाया तो ये डबल बॉटम बना। अब डबल बॉटम बनने के बाद इसका अपेक्स जो था काफी दूर था दोस्तों, ये देखिए अपेक्स यहां पर था। तो क्या हमें अपेक्स तक इंतजार करना होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमें इमेजिन करना होगा इस जगह पे जब ये करेक्शन की समाप्ति हुई और यहां पर आप देखिए एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इस पुल बैक के बाद, जैसा पहला पुल बैक है वो रिलायबल नहीं होता, ये आपको सिखाया गया है जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको सिखाया गया है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता था कि जब ये करेक्शन हो रहा था तो हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर ये पुल बैक के बाद में प्राइस इस लाइन के ऊपर में कभी भी क्लोज होती है तो क्या होगा दोस्तों, ये प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उस वक्त पे ये भी तो हो सकता है कि उल्टे साइड से एबीसीडी पैटर्न बने, कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो और ये ट्रेंड रिवर्सल ना हो। लेकिन यहां पर क्या हमें कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा था? तो दोस्तों देखिए यहां पर लेफ्ट शोल्डर बना है, प्राइस ऊपर गई, यहां पर हेड का फॉर्मेशन था और दोस्तों यहां पर हमें एक मौका मिल रहा था कि जब भी इसके ऊपर में ये ब्रेकआउट होगा तब जाके हम यहां पर प्राइस को ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है खींचने का, ये आप देखिए मैंने इसको यहां खींचा और ये आपका राइट शोल्डर हो गया और इसके ऊपर में यहां पर ब्रेकआउट हुआ। क्या इस ब्रेकआउट में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए? नहीं दोस्तों, इसे हम अलर्ट में रखे हैं, वॉचलिस्ट में रखे हुए हैं ताकि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में कोई प्राइस क्लोज हो तब जाके हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है, तो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को भी चेंज होने का इंतजार करना होगा। और यहां देखिए फाइनली दोस्तों इस जगह पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट कहां हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जहां पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और इसने इंडिकेशन दिया कि अब ये ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर चुका है, हमें चार्ट पैटर्न भी मिल गया है और ये की रेजिस्टेंस जो सप्लाई एरिया था इसके ऊपर में प्राइस चली गई है क्योंकि डिमांड एक्सीड कर गई है सप्लाई से दोस्तों। तो यहां पर देखिए कितनी जल्दी हमने यहां पर एक डिसीजन लिया कि इस कैंडल के जो मॉर्निंग स्टार है इसके हाई के ऊपर में हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालेंगे, जीटीटी ऑर्डर डालेंगे और वो ट्रिगर हो गया तो हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम लॉन्ग पोजिशनल व्यू ले रहे हैं तो ये राइट शोल्डर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, तो मैं स्टॉप लॉस को भी मार्क कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने स्टॉप लॉस को मार्क कर दिया, तो हम इतना सा रिस्क ले रहे हैं, इस आधार पे हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों किस तरह से ये ट्रेंड बढ़ता रहा, प्राइस कहां पे, ये हमारी एंट्री जो ट्रिगर हुई है वो हुई है 78 रुपीज 79 रुपीज पे। ये देखिए स्टॉक ट्रेंड को राइड करता गया, ट्रेंड को राइड करता गया और यहां पर दोस्तों आप देखिए 121 पे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 122 पे। तो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ दोस्तों, कहां हमने 78-79 पे इसे बाई किया और ये 40-45 रुपए अभी फिलहाल ऊपर चल रहा है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ, और अभी भी ये ट्रेंड इंटैक्ट है और ट्रेंड यहां पर आप देखिए यहां पर फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन जब हम इमेजिन करते हैं तो हम इस जगह पे एंटर करते हैं, अदरवाइज क्या होता है लोग इस जगह पे एंटर करेंगे या इसको चेस करेंगे और यह ऊपर जब ये भागने लगता है तो उसको पीछा करने की कोशिश करते हैं और उन्हें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता है क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है। तो अगर आप इमेजिन करें इस तरह से तो कई बार यहां पर जैसे इस तरह से यहां पर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा था तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में हम यहां देख सकते हैं एसएमए 144 एक सूटेबल सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं और यहां पर हम क्या कर सकते थे, एक काउंटर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रख सकते थे कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या यहां हमें एंटर करना चाहिए? ब्रेकआउट तो हो गया, यहां देखिए दोस्तों इस कंसोलिडेशन बैंड का एक अपेक्स था तो यहां पर मैंने एक अलर्ट सेट कर दिया। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल क्लोज हो गई और ये
क्लियरली इस सप्लाई जोन के ऊपर में क्लोज हुई। हमने इसके हाई के ऊपर में अगर जीटीटी ऑर्डर डाला है तो दोस्तों इसका हाई है 111 रुपए। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मौका मिला क्वांटिटी को ऐड करने का। अगर हम पिरामिड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये परफेक्ट जगह थी ऐड करने की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद में ये रिवर्सल हो रहा था और प्राइस वैल्यू जोन में थी दोस्तों। शॉर्ट टर्म ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ हो चुका था और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर ट्रेंड रिज्यूम हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों बुलिश नजर आए, तो यहाँ पर हमें फिर से पिरामिड करने की या क्वांटिटी को ऐड करने का मौका मिला। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें थोड़ा सा इमेजिन करना होगा और इमेजिन करके उसे वॉचलिस्ट में रखना होगा। इसके लिए आपको करनी होगी एडवांस में टेक्निकल एनालिसिस, और उस एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप तभी कर पाएंगे जब मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज का आपको ज्ञान होगा। और इसी कारण से दोस्तों 100 से अधिक वीडियो आपके चैनल पे उपलब्ध है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, ताकि कौन सी स्टडी कब इस्तेमाल होगी ये कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए ज्ञान जितना रहेगा उतना आपको स्टॉक मार्केट मुनाफा देने की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।